तो सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में कलह खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और गुरुजी की बड़ी बहू विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के महासचिव विनोद पांडे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में गुरुजी से कहा है कि इस पार्टी में मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन ने खून पसीने से इस पार्टी को सींच कर बनाया। उसी पार्टी में मुझे दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे मुझे कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों सीसीएल के खिलाफ एक बैठक में शामिल होने के लिए चतरा गई थी, जहां विनोद पांडे द्वारा कार्यकर्ताओं को मुझसे मिलने से मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग मुझसे मिल रहे थे उन्हें जेएमएम से निष्कासित भी कर दिया गया। बहरहाल सीता सोरेन के इस पत्र से जेएमएम में घमासान मचा हुआ है। वहीं इस पत्र के बाहर आने के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी भी हमलावर होती नजर आ रही है। सीता सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री जी की भाभी भी हैं, उन्होंने एक लंबे समय से सरकार के गलत कारनामों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। इससे पहले उन्होंने अवैध खनन के मामले में प्रूफ के साथ ट्वीट किया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इसके बाद सीता सोरेन जी ने सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए गए जेपीएससी एग्जाम पे भी प्रश्न खड़ा किया था और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सरकार ने उसे भी नजरअंदाज किया। उल्टे आज श्रीमती सीता सोरेन जी ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनके साथ मिलने वाले जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो जहां भी जा रही है उनसे जो लोग मिलने जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है और उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। तो ये कैसा न्याय, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपके पार्टी के अंदर आपकी भाभी जो एक विधायिका भी हैं वो सरकार के खिलाफ मुखर विरोध कर रही हैं, तो गठबंधन की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, यहाँ पर सीता सोरेन ने पत्र लिखा है शिबू सोरेन को और साफ तौर पर उसमें अपनी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं वो लिखी हैं। साफ तौर पर लिखा है कि जिस पार्टी को मेरे स्वर्गीय पति ने खून पसीने से सींच कर बनाया हो, आज वही पार्टी मुझे दरकिनार कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इस सीता सोरेन के पत्र के बाद कहीं ना कहीं जेएमएम में जो पारिवारिक कलह है वो जरूर निकल करके सामने आया है। सबसे बड़ी बात है, बता दूं कंचन, तो जिस तरीके से सीता सोरेन पहले पत्र लिखती हैं सुप्रीमो को, जेएमएम सुप्रीमो को, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से उनके साथ जो है एक तरह से प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, उन्होंने दरअसल पार्टी महासचिव विनोद पांडे के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि हाल के दिनों में वो चतरा एक कार्यक्रम में गई थी, दरअसल सीसीएल का अगेंस्ट एक बैठक चल रहा था, कार्यकर्ताओं ने इनको बुलाया था और उसी बैठक में शामिल होने के लिए चतरा गई थी। उस दौरान पार्टी महासचिव के द्वारा, विनोद पांडे के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं को मुझसे मिलने के लिए रोका गया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिन लोगों ने मुझसे मुलाकात की थी उनको वहां के जो जिला अध्यक्ष के द्वारा निष्कासित भी करा दिया गया। तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल तो जरूर है, क्योंकि सीता सोरेन वर्तमान में जेएमएम की विधायक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दुर्गा सोरेन की बात करें तो जेएमएम के नींव में, जेएमएम के, जेएमएम जो पार्टी को बनाने में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रही, एक अहम योगदान रहा। तो निश्चित तौर पे बड़ी बात तो उन्होंने कही है कि जो पार्टी महासचिव, जिस तरीके से, और बड़ी बात मैं बताऊं कंचन, तो उन्होंने ये भी जिक्र किया है उस पत्र में कि केवल चंद लोगों के द्वारा जो है पार्टी को अपने जेब की जो है पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तरह के आरोप कहीं ना कहीं इस पत्र में लगाए गए हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, चूंकि भी हाल में ही सीता सोरेन कोरोना से भी जो है जंग जीत कर वापस लौटे हैं सामान्य जीवन में, तो ये देखने वाली बात होगी कि सीता सोरेन अब इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या जो पार्टी महासचिव है विनोद पांडे उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी या फिर और भी कुछ कार्रवाई होगी, या फिर जो जिलाध्यक्ष जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया था उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी कंचन। यहाँ पर नवीन, जिस तरीके से खबर सामने आई है उसके बाद ये बिल्कुल सही है कि अब बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल चुका है भुनाने के लिए, विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है। यहाँ एक सवाल और कि सीता सोरेन ने गुरुजी को जो पत्र लिखा है वो बहू के तौर पर लिखा है या एक विधायक के तौर पर लिखा है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। नहीं, उन्होंने बकायदा अपने लेटर पैड में ये पत्र लिखा है विधायक के तौर पर, उन्हें माफ कीजिएगा, विधायक के तौर पर नहीं, उन्होंने जो केंद्रीय महासचिव के तौर पर ये पत्र लिखा है, हालांकि वर्तमान में विधायक भी हैं, और वो जो जिस लेटर पैड पर उन्होंने पत्र सुरेश सोरेन को लिखा हुआ है वो पार्टी के कार्य में
केंद्रीय महासचिव भी हैं सीतासोरेन वर्तमान में, तो केंद्रीय महासचिव के तर्ज पर जो ये पत्र उन्होंने जो है जेएनएम सुप्रीमो को लिखा है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि जो पार्टी वर्तमान में अभी सत्तासीन है और ऐसे में उस पार्टी के अंदर इस तरीके का, और सबसे बड़ी बात कि पारिवारिक कलह कहीं ना कहीं, सीतासोरेन की बात करें बड़ी बहू है गुरु जी की और दुर्गा सोरेन की जो है विधवा है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर के पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है विपक्ष को कि इस पूरे मामले को जो है जेएमएम के अगेंस्ट भुनाने की कोशिश की। दुर्गा सोरेन ने जिस पार्टी को खड़ा किया, आज उनकी जो है विधवा, जो उनकी जो पत्नी है, उनको कहीं ना कहीं पार्टी दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि चीज को लेकर के प्रतुल सादेव ने बयान भी दिया था, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि ये पारिवारिक कलह है, वो कलह अब निकल करके सामने आ रही है। देखिए लंबे समय से पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती और सत्ता में वापस आने के बाद जो कोई भी मुद्दे अगर पार्टी से रिलेटेड होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष की ये कोशिश होती है कि उन मुद्दों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा भुनाए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के साथ ये नाम जुड़ रहा है, मुख्यमंत्री की बड़ी भाभी के तौर पर, दूसरा गुरु जी की बहू है, तीसरा जेएमएम के जो है मुखर, जेएमएम के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे, काफी कुछ किया पार्टी के लिए उन्होंने, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो पार्टी पार्टी तो ठीक है, पार्टी के बाद अगर बात करें तो पारिवारिक जो है मामला भी जरूर ये सामने आ रहा है। बिल्कुल कंचन, चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट्स के साथ। तो यहाँ पर जेएमएम में पारिवारिक कलह निकल कर सामने आया और कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला सामने खुलकर आया इसके बाद से घमासान की स्थिति खड़ी हो चुकी है। ना सिर्फ घमासान की स्थिति यहाँ पर पार्टी के अंदर खड़ी हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है इसे भुनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए।